कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हुई आप सभी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, और कमेंट काफ़ी सारे आए मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी रेसिपी जानने में इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छा तो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, लेकिन हाँ अच्छा बन गया। हाँ पता नहीं शायद किस लिए अच्छा बने मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो छोले भटूरे बने थे वो टेस्टी बने थे। तो चलो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। और मॉर्निंग में मैंने क्या किया, क्योंकि आज मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, फिर दिन में मैंने क्या किया था, क्योंकि खाना तो शाम को बनाया था फ्रेंड, और अगर मैं दिन का वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने सुबह मॉर्निंग में क्या किया। सुबह मॉर्निंग में तो मैं मंदिर गई, हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है गणेश जी का। आपको पता है मैं गणेश जी की भक्त हूँ, बहुत छोटी सी इतनी सी भक्त नहीं कह सकती, क्या बोलो फिर भक्त को, और क्या बोलते हैं और दूसरा नाम मुझे पता नहीं, लेकिन छोटी सी हूँ शायद। तो मैं उनकी ही पूजा करती हूँ, वो मेरे इष्ट हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह मॉर्निंग में नहा धोकर सबसे पहले मैंने उनको ढोक लगाए, दीपक रखा, उसके बाद मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। शुरू क्या करना था मुझे, सारा दिन कल बिजी रूल्स था मेरा। तो फ्रेंड्स बोले कि यार शेयर कर साड़ियों के, काफ़ी सारे शेयर कर दिए हैं, और बर्थडे वाली साड़ी जरूर दिखाना कि तूने बर्थडे पर क्या पहना, कैसे पहना। तो फ्रेंड वो वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी कि बर्थडे पर मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी, और आपको पहनना भी सिखा दूँगी उसमें। मैंने उसका वीडियो बना लिया था कि आपको जो मैंने बर्थडे पर साड़ी पहनी थी वो किस तरह से पहनी थी और कैसी पहनी थी, उसका लुक कैसा आ रहा था, वो मैं आपको दिखा दूंगी। आज मैं अपने छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत, छोले भटूरे की रेसिपी देखकर कुछ ऐसा मत सोच लेना अरे ये छोले भटूरे ऐसे होते हैं क्या, ऐसे तो हम ही बना लेते, प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, जो घर में मसाले होते हैं फ्रेंड वही डालती हूँ, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि सभी के हाथों का अलग अलग टेस्ट होता है, कुछ भी नहीं डालती हूँ लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करो, प्लीज़ बार दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी छोले भटूरे की रेसिपी पसंद नहीं आए, क्योंकि फ्रेंड लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो क्या सिंपल ही बनाया था मैंने, चलो फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मुझे डर लग रहा है, मालूम है क्यों डर लग रहा है, क्योंकि मैं खाना बहुत कम बनाती हूँ, ऊपर से इतना अच्छा मुझसे बनता भी नहीं है, और फिर आप लोगों का कमेंट भी आ गया कि नहीं आप अपने छोले भटूरे की रेसिपी शेयर कर दो हमारे साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैंने सोचा शायद ऐसा कोई कमेंट आने वाला नहीं है कि आप अपनी रेसिपी शेयर करो, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और मुझे किचन में जाना पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें लेडी हूँ ना, तो बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा कुकिंग क्लास भी ज्वाइन की थी मैंने। खाना तो बनाना है, खिलाना है, सबको खुश रखना है, क्योंकि खुशी होकर शायद पेट से ही निकलता है, ये तो आपने सुना होगा ना। तो मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन की, थोड़ा सा खाना बनाना सीखा, थोड़ी बहुत डिशेस बनाना सीखी, छोले भटूरे बनाना भी सीखे, जो मैं बहुत बनाती रहती हूँ। मालूम है आपको मैं सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ कद बापले, जो राजस्थान के फेवरेट है, मालूम है। वो मैंने नहीं बनाए क्योंकि फ्रेंड उन्हें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोग कहोगे ना तो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ एक बार जरूर शेयर करूँगी, ब्लॉग बना दूंगी। बहुत अच्छा मैं कद बापला जो होता है बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब लोग तारीफ करते हैं। अब क्यों तारीफ करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं सीमा जी आप बहुत अच्छा बनाती हैं। जब भी मेरे गेस्ट आते हैं ना तो वो यही डिमांड करते हैं यार राजस्थान का फेवरेट खाना बनाओ। अब फेवरेट खाना बन तो जाता है फ्रेंड, 2-3 घंटे लगते हैं कम से कम, तो
दो चार बार सोचती हूँ कि यार फिर कोई सपोर्टर है क्या, लेकिन उस टाइम कोई सपोर्टर नहीं आता, अकेली परेशान होती हूँ, तो ऐसी चीज बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन बनाती जरूर हूँ। जब मेरे बच्चों की डिमांड आती है, हस्बैंड की डिमांड आती है, तो जरूर बनाती हूँ। अगर आप लोग चाहोगे ना, तो जैसे कभी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे छोले भटूरे, सिंपल छोले भटूरे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। पसंद नहीं आया तो बिल्कुल भी ऐसे कमेंट्स मत लिखना, लेकिन आप ऐसा सिंपल बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि जो होटल्स वगैरह में खाते हैं ना, तो कितना भी वो लोग मसाला कम डाले ज्यादा डाले, लेकिन एक एक्साइटमेंट रहता है हमको कि हम होटल का खाना खा रहे हैं, तो कुछ शायद टेस्ट अलग बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। आपका मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो खाना कैसा भी बनाओ, नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है ऐसा बोलते हैं। तो इस बार मैंने सिंपल सा खाना बनाया, आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो। सादा सिंपल है, लेकिन फ्रेंड अच्छा लगेगा, आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करें, मैं बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बातें तो बहुत करती हूँ और एक बार स्टार्ट हो जाती हूँ तो शायद बंद नहीं होती हूँ, लेकिन आप लोगों को पसंद आती है मेरी बातें, मालूम मुझे काफी सारे कमेंट्स में लिखते हो, मैम आपकी बातें काफी अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टेड लगती है, उसके लिए थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करो कि मैंने बर्थडे पे क्या किया था। छोटा सा ब्लॉग है, आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखोगे जब ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं तीन चार पार्ट्स में लेकर आई हूँ, तो तीन चार दिन लगातार डालूंगी कि मैंने बर्थडे पे क्या क्या किया। ठीक है, आज भी मैं छोले भटूरे की रेसिपी बताने वाली हूँ, अगर आपकी डिमांड होगी तो। कल मैंने बंद गोभी स्पेशल बनाई थी, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आपको छोले भटूरे की अच्छी लगेगी तो, कॉमेंट्स आएगा तो, नहीं तो नहीं करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं कि किचन में है ना क्या हो रहा है। चलो पूरिहोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। छोले बनाने जा रही हूँ, आपने बंद गोभी तो देख ली, छोले मैं रात को गलाने जा रही हूँ। इसमें आप एक चम्मच नमक डाल लें और पानी डालकर गलाने रखें, पानी डबल डालें क्योंकि रात भर में अच्छे से फूल जाएंगे। नमक डालेंगे तो इनका टेस्ट फीका नहीं आएगा। छोले रख दिए हैं उबालने के लिए, पहले मैंने लो को थोड़ा सा तेज कर दिया है जिससे पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। अब छोलों में क्या नमक डाला हुआ है तो बहुत जल्दी उबल जाएंगे, उसके बाद मैं लो कम कर देती हूँ और इनको थोड़े से ज़्यादा टाइम तक 15 से 20 मिनट तक पकने देती हूँ, बहुत अच्छे से सीज जाएंगे फ्रेंड और बहुत ही नरम हो जाएंगे नमक की वजह से। मैंने हल्का सा एक चुटकी सोडा भी डाला है फ्रेंड, मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई हूँ, सोडा से क्या होता है, थोड़ा सा जो चना होता है वो फूल जाता है। मैंने मसाला रेडी कर लिया है छोले के लिए, प्याज लहसुन हरी मिर्ची टमाटर, ऑयल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और राई जीरा डालकर मैंने ये मसाला बना लिया। सॉरी मैं भूल गई थी जब मैंने वो डाला था, तो वैसे मैंने सुबह आपको डालना बता दिया था। ये छोले का जो प्यूरी है वो रेडी हो गई है, अब मैं इसमें जो मैंने चने उबाले हुए हैं वो डाल देती हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी उबले हुए आलू। ठीक है, आलू गरम थे, आप मैश करके डाल दीजिए इसमें आलू। अकेले ही करते हैं फ्रेंड तो बहुत परेशान होते हैं, आज मेरा फास्ट भी है तो सुबह से लगी हुई हूँ काम करने के लिए,
थक गई हूँ अब मैं, क्योंकि अकेला मोबाइल पकड़ना, अकेला काटना, अकेला पीटना बहुत थक गई हूँ। फिर भी आज तो मुझसे मेरे फ्रेंडों ने कहा था कि कुछ स्पेशल वीडियो बनाना कि तुमने दिन भर क्या किया आज, तो ये मेरे फ्रेंडों के लिए स्पेशल वीडियो है कि मैंने दिन भर क्या किया आज, क्या बनाया बर्थडे के दिन घर पे, क्योंकि बाहर जा नहीं पाई फ्रेंड लॉकडाउन में। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी चाट पाउडर, गरम मसाला और धनिया तो फ्रेंड है नहीं है लॉकडाउन में। चलिए बताती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। इसको रख दिया है अच्छे से, जब तक मेरे छोले ऑयल नहीं छोड़ देते जब तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ऑयल छोड़ देंगे फ्रेंड तो हल्का सा हम पानी डाल देंगे। सिंपल से छोले फ्रेंड रेडी हो गए हैं, कितनी मेहनत के बाद बने हैं। सुबह से मेहनत करने में लगी हुई हूँ, देख सकते हैं आप, कंप्लीट है। अब मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है क्योंकि दिन भर का फास्ट है, देखकर ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। देखिए इस तरह से छोले तैयार किए मैंने। चलिए